पहली यूनिट रहेगी और ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 11th क्लास की शुरुआत में ये पहली यूनिट है। हमारे पास टोटल 14 यूनिट रहने वाली है यहाँ पे, जिसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है उसके हमने कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने हैं, ठीक है। जो भी आप इस यूनिट में पढ़ोगे वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट केमिस्ट्री में यूज होंगे, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, ठीक है। तो जो 9th क्लास में हमने शुरुआत करी थी साइंस से, तो उसमें केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर आता था मैटर से रिलेटेड, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। तो 9th का और 11th का काफी जो टॉपिक्स हैं वो मैच करते हैं, बाय नेम, नाम के हिसाब से मैच करते हैं, लेकिन 11th क्लास में हमने उनको डिटेल में पढ़ना है, 9th में हमने से केवल उनका थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन से रिलेटेड पोर्शन पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री को। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the structure, nature, composition and properties of matter. जो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बनती है केमिस्ट्री की वो होती है स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लेकिन मैटर की स्टडी में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई? कि भाई मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड possesses mass is called matter and its presence can be felt by any one of our 5 sense organs। देखो क्या होता है मैटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो स्थान को घेरती हो, जिसकी कुछ वॉल्यूम होती हो और जिसका कोई मास होता हो, वजन होता हो, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अगर आपको ये मैटर की डेफिनेशन समझ आती है तो आपको ये लाइन भी समझ आएगी कि अगर कोई चीज स्थान को घेर रही है और उस जिसका कोई मास है, तो हमारे 5 sense organ होते हैं, आई, ईयर, टंग, स्किन, ठीक है, नोज, ये सारी चीजें हमारे 5 sense organ, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी। इन पांचों में से किसी भी एक के द्वारा फील होगी, इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर 5 sense organ। जो 5 sense organ है, 5ों sense organ में से कोई ना कोई एक सेंस ऑर्गन उस चीज को फील जरूर करेगा, वो चीज क्या कहलाएगी? मैटर। और मैटर की स्टडी को ही क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, ठीक है। अब मैटर की स्टडी के अंदर हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, कि भाई कोई भी पदार्थ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा बना हुआ है, उसका नेचर, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, कंपोजिशन किस किस चीज से मिलके बना है, और उसके
प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है, ये सारी चीजें मैटर की स्टडी के दौरान आएंगे और उसी को हमने क्या नाम दिया है, केमिस्ट्री का नाम दिया है। दूसरा, केमिस्ट्री को हम स्टडी ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। केमिस्ट्री में भी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो इसमें क्या हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स के नाम आपने सुने हैं, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। केमिस्ट्री लैब में आप देखते हो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स रखे होते हैं, सभी को हमने क्या नाम दिया है, केमिकल्स। इसलिए केमिस्ट्री को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, कि केमिकल्स की स्टडी को भी आप क्या कहते हो, केमिस्ट्री कहते हो। केमिकल्स की कैटेगरी में जितनी भी मेडिसिंस होती हैं वो भी सारी केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, जितने भी रिएजेंट्स होते हैं जो कि लैब के अंदर रखे होते हैं, HCl है, NaCl है, ठीक है, H2SO4 है, ये सारे क्या हैं, ये सारे केमिकल्स हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री को आप स्टडी ऑफ केमिकल्स भी कह सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, की जो मैटर की डेफिनेशन आप अभी पढ़ के आए हो उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। टाइनी का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। ये आपके पास कोई भी मैटर है, लेट अस से ये आयरन का टुकड़ा है, दिस इज आयरन Fe, तो इसके अंदर आयरन के बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियन बिलियंस ऑफ एटम्स। सो ये जो पार्टिकल्स है ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, इसी को बोला गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलके मैटर बनता है। सेकेंड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन में रहेंगे, मूव करते रहेंगे, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर कोई चीज बनी है वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे। ये बात आपको गैस के लिए और लिक्विड के लिए तो समझ आती है, लेकिन ये बात आपको सॉलिड के लिए समझ नहीं आती है। इसका मतलब क्या है भाई, गैस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती रहती है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि भाई गैस के पार्टिकल्स तो मोशन में है। लिक्विड जो है, वाटर हो गया, ठीक है, वो बहता रहता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज अपने आप आपको मूव करती हुई दिखाई नहीं देगी, मोशन में दिखाई नहीं देगी। आपने कोई भी सॉलिड चीज जहां पे रखी है वो वहीं पे रखी रहेगी। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, जो सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, वो सॉलिड के ऊपर क्या अप्लाई नहीं होती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो सॉलिड के ऊपर भी अप्लाई होती है। उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड स्टेट का कोई भी आपके पास मैटर होगा उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। जैसे घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है नीचे, ऐसे वो यू मूव करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है या ऑक्सीलेट करता है। इसी प्रकार से सॉलिड के केस में पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो अपनी सेंटर पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हुए नजर आएंगे, ऐसे 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 वाइब्रेट, मतलब ये अपनी इस पोजीशन को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, लेकिन यहीं पे वो वाइब्रेट करते रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए सेकंड प्रॉपर्टी कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, हमेशा पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये बात अलग है कि गैस के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, लिक्विड्स के केस में थोड़ा सा ज़्यादा और सॉलिड्स के केस में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें तो हम रहते ही हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं एयर, एयर इज अ मिक्सर ऑफ गैसेस, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। कोई भी लिक्विड है, जैसे एग्जांपल हम वाटर का ले सकते हैं, ठीक है, तो लिक्विड के अंदर भी हम चल सकते हैं, हमारा हाथ जा सकता है, लेकिन सॉलिड के आर पार हम नहीं जा सकते और ना ही हम उसको इजीली कट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसका मतलब सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस के अंदर सबसे कम होता है। तो ये दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। फोर्थ वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है भाई, स्पेस होता है, चाहे वो हमें नजर नहीं आए लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्पेस होता है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, लेट अस से आपके पास एक ग्लास वाटर था, ठीक है, जो लैब में हमारे पास बीकर होता है उसके अंदर आप इसकी वॉल्यूम को मेजर कर लो, लेट अस से 500 ml आपने वाटर ले लिया, ठीक है, इस 500 ml के अंदर आप 10 g शुगर ऐड कर दो, तो जब शुगर ऐड होगी तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, इस वाटर का जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ, तो ये 10 g शुगर गई कहां, कहां गई, जो होल्स है, जो स्पेस है, हमने क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो वाटर आपने लिया है यहाँ पे, वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है भाई, थोड़ा 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 स्पेस प्रेजेंट है, तो ये जो शुगर है जो आपने 10 ग्राम यहाँ पे शुगर ऐड की है, शुगर गेट एडजस्टेड इन द स्पेसेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्पेस था उनके अंदर शुगर क्या हो गई है, जाके एडजस्ट हो गई है, इस वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। यहां पर भी हम वही बात कहेंगे कि गैस जो होती है उसके अंदर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर स्पेस थोड़ा कम होता है और सॉलिड के अंदर स्पेस सबसे कम होता है। समझ आती बात, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज और पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का पार्टिकल नेचर होता है, मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, और उन पार्टिकल्स की क्या क्या पॉसिबल प्रॉपर्टीज हो सकती है वो सब आपने इसमें सीखा है।